पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। एक नमूना देख लीजिए, किसानों का स्वागत कटीले तारों से किया जा रहा है, एक छोटा सा नमूना आपने देखा कि किसानों का स्वागत जो इस देश का अन्न देने का काम करता है, इस देश को अन्न देने का काम करता है, उनका स्वागत इस तरीके से किया जा रहा है। अशोक जी, आप लगातार बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, क्या बहन जी भी इनके विरुद्ध हैं या इनके समर्थन में हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक अज्ञानी जी? कि आज का जो दिन है भारत के इतिहास में बिल्कुल ब्लैक डे है, काला दिन है, और जिस तरीके से खबर आ रही है पूरे देश से, और ये सिंधु बॉर्डर से लेकर के अंबाला के सिंधु, वहां भी एक सिंधु बॉर्डर है, और रोहतक से अभी भी खबरें आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा भयावह, ऐसा युद्ध जैसा किसानों के विरुद्ध छेड़ दिया है इस मोदी सरकार ने, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेशी कोई दूसरे देशों की सेनाओं ने हमला कर दिया है, दिल्ली एक अलग देश है और उसके ऊपर कर दिया, और ये लगातार ड्रोन से हमले कर रहे हैं, ड्रोन वो जो विदेश से खरीदे थे इन्होंने, जर्मनी से और कहां कहां से अपने मित्र देशों से लाए थे दुश्मन सेना के ऊपर वो हमला करने का, लेकिन वो ड्रोन वो चलाए जा रहे हैं जिनसे कि आंसू गैस के गोले और उसको आइडेंटिफाई कर करके उनके विरुद्ध वो चलाए जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। एक तो एक भयावह स्थिति यहाँ पर फैल गई है ये पूरे दिल्ली बॉर्डरों पर, तो ये मैं आज इसको बहुत ही दुखद उससे, और मैं इसको कंडेम करता हूँ कि भारत सरकार की ये जो कार्रवाई है किसानों के विरुद्ध बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। एक शांतिपूर्वक तरीके से देश का कोई भी नागरिक अपना मांगों को लेकर के दिल्ली में आकर के वो कहीं दिल्ली या पूरे देश में कहीं पर भी धरना प्रदर्शन कर सकता है। और दूसरी बात ये, जिस तरह से भारत सरकार ने जिस तरीके से ये बॉर्डरों को सील किया है, ये बिल्कुल आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, क्योंकि उसमें लिखा है बाबा साहेब ने आर्टिकल 19 में कि एक राज्य का, भारत का एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से विचरण कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने बाधाएं उत्पन्न करके किसानों के रास्ते में ये आर्टिकल 19 को तो पूरी तरह से आज तबाह बर्बाद कर दिया, उसका उल्लंघन किया, घोर उल्लंघन, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जो सवाल आपने पूछा कि बहन कुमारी मायावती, तो देखिए बहन कुमारी मायावती तो जितनी किसान हितैषी है इस देश के अंदर शायद ही कोई सरकार आज तक किसानों के हित में काम किया हो। बहन कुमारी मायावती ने जब उनका शासन काल था 2007 से 2012 तक, बहन जी एक पहली नेता थी जिन्होंने की सबसे ज्यादा किसानों की MSP बढ़ाई, उनकी फसलों पे, गन्नों पर, दूसरी चीजों पर लगातार उनका ख्याल किया और उनके तमाम चीजों पर किसानों का खासतौर पर ख्याल रखा। और सबसे बड़ी बात ये कि बहन जी ने जो भूमिहीन जो खेत मजदूर हुआ करते थे बड़े किसानों के यहाँ पर, बहन जी ने हजारों एकड़ जमीनें उन भूमिहीन जो खेत मजदूर थे उनको दे करके मालिक बनाया, उनको जमीनों का मालिक बना के डायरेक्ट किसान बनाया, आत्म सम्मान से जीना सिखाया। और उसी के चलते बहन जी के जो उस मिशन के चलते और माननीय काशीराम जी का जो बहुजन मिशन था उसके चलते जो भारत में अलग अलग सरकारों ने प्रेशर में आकर के जो किसानों जो भूमिहीनों को जमीनें दी थी, किसान बनाए थे SC ST के लोग जिनको मिले थे, आज भारत सरकार उन जमीनों को छीनना चाहती है। वो जो तीन काले कानून ये पिछली बार लेकर के आए थे उनको इन्होंने दिल से नहीं उसको खत्म किया था। 2021 में 8 महीने के आंदोलन के बाद बहन जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये मोदी सरकार ये इसका किसानों का जो है शोषण करना बंद करे और तीन के काले कानून वापस लें, और बहन जी के स्टेटमेंट के बाद तब जा करके भारत सरकार ने वो वापस लिए थे काले कानून, लेकिन वो मन से नहीं लिए थे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि इन्होंने तो पूरी रणनीति बना रखी है इस देश के अंबानी अडानी और चंद पूंजीपतियों को, देश के किसानों की कॉरपोरेट को जमीन देने की, और उन्होंने जगह जगह पर जो वहां पर अपने वो FCI की तरह जो अपने ये स्टॉक होम बना रहे हैं धड़ाधड़ बना रहे जा रहे हैं ये, तो इसका मतलब है किसानों की चिंता जायज है, उनकी जमीनों के ऊपर इनकी पैनी नजर है। जो इन्होंने MSP का जो गारंटी कानून बनाने की बात की थी वो नहीं किया, इन्होंने जो कहा था कि जो किसान 700 से ज्यादा किसान मरे हैं उनके परिवार शहीद हुए हैं उनके परिवारों को पैसा देंगे, किसानों के ऊपर जो केस बने थे वो वापस लेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इन्होंने उस समय एग्रीमेंट किया मानी गई, कोई कमेटियां भी बनाने की बात की थी ज्वाइंट कमेटी किसानों के साथ मोदी के साथ तमाम चीजों के लेकिन भारत सरकार के साथ, लेकिन वो सब नहीं हुआ। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से अपने शासनकाल में हमेशा किसानों को बिना किसान क्या बिना
किसी जाति भेद के, धर्म भेद के, भाषा भेद के, बहन जी ने जिस तरीके से एक एक नागरिक के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया, वो अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत के जो संविधान को लागू करने वाली पहली महानायिका, इस देश की राजनेता जिन्होंने बिना के किसी भेदभाव के उसको लागू किया, और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और तमाम शिक्षा हो, चाहे वो किसानी हो, खेती हो, चाहे वो फसलें हो, चाहे वो जो भी चीज रही हो, सबको उन्होंने पूरी बेहतरी के साथ उस पर ध्यान दिया और सारे वर्गों को बेनिफिट मिले, सुरक्षा मिली, न्याय मिला। और बहन जी ने लगातार कहा है कि किसानों को इस तरीके से आप टारगेट मत करो, मोदी सरकार को उन्होंने घेरा और उन्होंने कहा कि इन किसानों के साथ बैठ के बात करो और जो आपने वादे किए उन वादों को पूरा करो। बहन कुमारी मायावती से बड़ी किसान हितैषी और देश में दलित हितैषी, महिला हितैषी, मजदूर हितैषी और एक एक नागरिकों के हितैषी, संविधान हितैषी इस देश के अंदर कोई लीडर नहीं है। वो उनको कभी नहीं देखा होगा आपने कि वो अभी किसी वोट के लालच में किसी मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजा जाएं, कहीं पर जाएं। बहन जी पहली अकेलौती राजनेता है कि जो कि बिना किसी उसके वोट के लालच के वो तमाम वर्गों के लिए काम करती हैं। और देखिए दुख की बात यह कि ये अपने मोदी जी आज पहले पिछले जो आंदोलन हुआ था किसान का, उस समय भी देश से बाहर चले गए थे और आज जहां पर पूरे देश में किसान लड़ रहा है, पूरे दिल्ली बॉर्डर पर किसान लड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए, वो दिल्ली में, वो तो अधिकार और अस्तित्व तो बाद में है, दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए, देश की राजधानी है वहां प्रवेश करने के लिए जिस तरह से वो अपना संघर्ष कर रहा है। और उस दौरान मोदी जी यूएई चले गए वहां पर अपना एक एक मंदिर का सिर्फ उद्घाटन करने, देश में जब ये आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, दिल्ली के बॉर्डर सील किए हुए हैं और लड़ाई चल रही है यहाँ पर किसानों के साथ, मोर्चा खुला हुआ है, और उसके ऐसी स्थिति में देश को इस खतरनाक विकट परिस्थितियों में छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम देश में एक मंदिर वहां बना है और उस मंदिर का उद्घाटन करने गए हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है कि अपना देश का प्रधानमंत्री ऐसे समय में देश को छोड़ करके चला गया जब उनकी उनकी बहुत जरूरत है। तो अब सवाल इस बात का है कि आने वाले समय में 2024 में देश के पास एक ही विकल्प है कि सिर्फ और सिर्फ इस देश में सभी नागरिकों की हितैषी, संविधान हितैषी बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और वही इस देश को आप सुधार सकती हैं। इस देश में जो इन्होंने गृह युद्ध जैसे माहौल बना दिए हैं, इस देश में जहां पर एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे धर्मों के खिलाफ, समुदायों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस तरह से अलग वर्गों के मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ ये जिस तरीके से युद्ध इन्होंने छेड़ रखा, वहां मजदूरों के कानून बदल दिए, यहाँ पर किसानों के जमीनें छीनने के लिए कानून बना दिए और किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारी बहन जी ने, बहुजन समाज की महानायिका ने इस देश के किसानों के लिए जितनी ज्यादा काम किया है, जितना ज्यादा उनको उनको स्नेह दिया है, उनकी बातों को ध्यान में रख करके उनको आगे बढ़ाया है, शायद ही कोई राजनेता है, कोई सरकार ऐसी होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत
छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।